दोस्तों जब किसी यूट्यूबर्स का चैनल डिलीट हो जाता है तो सच कहूं दोस्तों मुझे बहुत जान करके दुख होता है कि मेरे किसी फ्रेंड्स का, मेरे किसी भाई का, मेरे किसी बहन का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। ऐसे में एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनके चैनल का नाम है स्प्रेडिंग ज्ञान और इस चैनल को चलाते हैं हमारे रॉकी भाई और इनके 2,38,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त यूट्यूब पर। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आने वाले टाइम पर या कभी भी स्प्रेडिंग ज्ञान चैनल डिलीट हो सकता है या डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग जानना चाह रहे होंगे या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आप ये कैसे करें कि स्प्रेडिंग ज्ञान चैनल डिलीट हो जाएगा या डिलीट होने वाला है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और एकदम एक्यूरेट समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि स्प्रेडिंग ज्ञान चैनल आने वाले टाइम पे क्यों डिलीट हो सकता है या डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यूट्यूब पे अपने चैनल को सेफ लंबे टाइम तक चलाने के लिए या YouTube से पैसे कमाने के लिए YouTube के हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि YouTube के हर पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि YouTube के मोनेटाइजेशन पॉलिसी, YouTube के रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी, YouTube के मिसलीड मेटा डाटा पॉलिसी, YouTube के हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसी होती है, जैसे कि थंबनेल पॉलिसी, बहुत सारी एडसेंस अकाउंट पॉलिसी भी होती है। तो सभी पॉलिसी को आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है और जो यूट्यूबर अच्छे से फॉलो नहीं करता इन पॉलिसी को, उसके यूट्यूब चैनल को यूट्यूब कभी भी डिलीट कर सकता है या कर देता है, आपको पता भी होगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल क्रिएटर का चैनल जो है ना डिलीट कर दिया जा रहे हैं और आपने सुना होगा, देखा भी होगा, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल डिलीट, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल डिलीट, लाखों में वाला चैनल डिलीट, हजारों वाला चैनल डिलीट, यानी बड़ा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जा रहा है और छोटा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जा रहा है। और बाद में लोग दोस्तों बोल रहे हैं वीडियो बना करके, मैंने तो कोई गलती नहीं करके रखा था, यूट्यूब बिना बताए मेरा चैनल पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है। तो क्या लोग गलती करके रख रहे हैं जिसके वजह से उनका चैनल डिलीट हो जा रहा है और स्प्रेडिंग ज्ञान भाई का चैनल क्यों डिलीट हो जाएगा, इसका चलिए मैं अब आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको देखिए, यहाँ पे राइट साइड में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आ चुका हूं और यहां पे सबसे पहले मैं सर्च करता हूं स्प्रेडिंग ज्ञान, इनके चैनल को मैं सर्च कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्या गलती कर रखी है, यानी यूट्यूब के कौन से रूल्स को ब्रेक कर रखा है। इन्होंने एक नहीं, 2 रूल्स को ब्रेक कर रखा है, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। देखिए स्प्रेडिंग ज्ञान भाई का चैनल ओपन हो गया रॉकी भाई का और यहां पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद भाई का एक वीडियो है, YouTube चैनल कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल अर्न, ठीक है, इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को मैंने प्ले कर दिया है, आप देख भी सकते हैं वीडियो पे एड्स आ रहे हैं और फिलहाल मैं वीडियो के एड्स को यहां पे पहले स्किप कर देता हूं, फिर आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए भाई की वीडियो चल रही है रॉकी भाई की, अच्छी बात है, और इनके वीडियो के अब डिस्क्रिप्शन में मैं जाता हूं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद देखिए यहां पर इन्होंने बहुत सारे क्या कर रखा है, हैशटैग लगा कर रखा है, यानी सबसे पहली गलती इन्होंने क्या रखा है, ओवर हैशटैग का यूज किया है। तो फ्रेंड्स ओवर हैशटैग क्या होता है मैं आपको बता दूं, नहीं पता है तो यूट्यूब पे एक हैशटैग पॉलिसी होती है, यानी फ्रेंड्स आप अपने किसी भी यूट्यूब के वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में 15 से ज़्यादा हैशटैग का यूज नहीं कर सकते, उससे कम कम ही आपको हैशटैग यूज करना है, जैसे 8, 10, 12, 14, 15, लास्ट मैक्सिमम 15 होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप हैशटैग अपने यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं तो यूट्यूब कभी भी आपके वीडियो को डिलीट कर सकता है, कभी भी आपके चैनल को डिलीट कर सकता है, यह हैशटैग पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे इन्होंने कितने अपने वीडियो में हैशटैग लगा के रखा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कम से कम 22-24 हैशटैग इन्होंने अपने यूट्यूब के वीडियो में लगा रखा है, यानी 15 से ज्यादा इन्होंने हैशटैग अपनी वीडियो में लगा रखा है, मतलब इन्होंने हैशटैग पॉलिसी को इन्होंने ब्रेक किया, इन्हें रूल्स को ब्रेक किया है, एक कह सकते हैं यूट्यूब की पॉलिसी को इन्होंने ब्रेक किया है। तो कभी भी इनका यूट्यूब चैनल अगर डिलीट हो जाएगा तो बाद में रॉकी भाई बोलेंगे मैंने तो कोई गलती करके नहीं रखा था, मेरा चैनल यूट्यूब ने पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है, ठीक है। पहली गलती इन्होंने क्या कर रखा हैशटैग की पॉलिसी को फॉलो नहीं करके रखा है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं इन्होंने दूसरी गलती क्या करके रखा है। तो फ्रेंड्स यहां पे दूसरी गलती देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, मिसलीड कर रखा है, यानी मिसलीड मेटा डाटा कर रखा होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मिसलीड मेटा डाटा क्या होता है, अगर नहीं पता फिर मैं आपको एक बार बता दूं। मान लीजिए आपने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई किसी भी टॉपिक्स पे, जैसे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, लेकिन आपने अपने वीडियो का थंबनेल किसी और चीज पे लगा दिया, उसका टाइटल कुछ और लिखा, टैग कुछ और लगाया, हैशटैग कुछ और लगाया, यानी आपने अपने वीडियो के टॉपिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब आपकी वीडियो उस टॉपिक्स पे है नहीं लेकिन आप वह काम अपने यूट्यूब के वीडियो पे कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए
इन्होंने वीडियो क्या बना रखा था, टाइटल YouTube चैनल कैसे बनाए, हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल, इन्होंने एक वीडियो का टाइटल बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इनके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन का जो हैशटैग है, ये देखिए इन्होंने क्या लगा रखा है, सब्सक्राइब करके ऑल दबा देना, हेल्प मिलेगा आपको। मैं यहाँ प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। दूसरी बात, इन्होंने हैशटैग लगा रखा है न्यू यूट्यूबर्स हेल्प स्प्रेडिंग ज्ञान, चलो यहाँ तक तो ठीक है, इन्होंने अपने चैनल का हैशटैग लगा के रखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे आते हैं इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ग्रो यूट्यूब चैनल टेक्निकल इसरार। टेक्निकल इसरार ये क्या मतलब है, मैंने इनकी वीडियो को देखा, इन्होंने अपने वीडियो में कहीं भी टेक्निकल इसरार के चैनल का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हैशटैग टेक्निकल इसरार के चैनल का हैशटैग नाम लगाकर रखा हुआ हैशटैग। उसके नीचे आते हैं यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, वायरल यूट्यूब वीडियो मनोज दे, मनोज दे, मनोज दे से इनसे क्या रिलेटेड है, रिलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक और मिसलीड मेटा डाटा करके रखा है ताकि हैशटैग मनोज दे के चैनल का नाम लगा रखा है। उसके नीचे आएंगे तो बहुत सारे हैशटैग हैं, 4000 वाच टाइम, HB सर्विस, साइबर बाबा, देखिए फिर बड़े एक यूट्यूबर्स का चैनल का नाम, हाउ टू गो शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इस तरीके से इन्होंने मिसलीड मेटा डाटा करके रखा है। और इन्होंने एक वीडियो में यह गलती नहीं करके रखा है, और भी वीडियो में यह गलती करके रखा है, तो मैं आपको एक बार और प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक नहीं कई वीडियो में इन्होंने गलती कर रखा है, ठीक है। तो मैं इनकी एक और वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद देखिए इनका एक चैनल वीडियो बना के रखा है इन्होंने, गेमिंग चैनल ग्रो कैसे करें, ठीक है। मैंने इनकी भी इस वीडियो को देखा, और इनकी वीडियो को मैं हैशटैग एक बार चेक करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे इनकी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में गया, रीड मोर पे गया, और रीड मोर पे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे जाता हूँ, और नीचे आने के बाद देखिए आप यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे टैग तो लिखे हैं, वो तो अलग बात है, हैशटैग लगा रखे हैं, ठीक है। और वो भी अपने वीडियो के अगेंस्ट, जिसके बारे में इन्होंने बात भी नहीं की है, इनका इस टॉपिक से कोई भी लेना देना है ही नहीं, यानी मिसलीड करके रखा है। देखिए इन्होंने फिर हैशटैग में टेक्निकल इसरार, यहाँ पे मनोज दे, स्प्रेडिंग ज्ञान, साइबर बाबा, शॉर्ट्स, यानी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम इन्होंने बहुत सारे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। मैंने तो इनकी एक और दो वीडियो देखी, उनमें जुन्नू की टेक, किसका किसका इन्होंने हैशटैग लगा के रखा है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, इन्होंने दो YouTube की पॉलिसी को ब्रेक किया हुआ है। पहला पॉलिसी है कि इन्होंने ओवर हैशटैग लगाया है, जो कि 15 से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाना है। दूसरी पॉलिसी को इन्होंने ब्रेक करके रखा है कि मिसलीड मेटा डाटा कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके वजह से इनका YouTube चैनल डिलीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये दोनों गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कभी भी आपका भी YouTube चैनल डिलीट हो सकता है। और लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर मेरी यह वीडियो रोकी भाई यानी स्प्रेडिंग ज्ञान भाई देख रहे हैं, तो रोकी भाई मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप एक मेरे से सीनियर यूट्यूबर हैं सब्सक्राइबर्स और व्यूज के मामले में, और आपकी वीडियो से लोग देखते हैं, आपसे लोग हेल्प लेते हैं, आपकी बातों से लोग एडुकेट होते हैं, तो प्लीज़ कोई भी ऐसी वीडियो मत बनाइए या ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे कि YouTube आपके चैनल को कभी भी टर्मिनेट कर दे या डिलीट कर दे, क्योंकि इस बात का दुख जो है ना, सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा, सभी आपके सब्सक्राइबर्स को होगा, ऑडियंस होगा, और मुझे भी होगा। तो प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत करिए, या फिर एडिट करके इस चीज़ को करेक्शन कर लीजिए। और कोई भी चीज़ हो तो फ्रेंड्स स्प्रेडिंग ज्ञान भाई, आप अच्छे से सोच समझ के काम करें, क्योंकि आप एक सीनियर यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, आपकी वीडियो से लोग देख के बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।